हेलो, वेलकम टू चैनल कुकिंग विद संगीता। आज हम बनाएंगे नवरात्रि के व्रत में खाया जाने वाला बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी साबूदाना वड़ा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप साबूदाना लिया है। सबसे पहले इसे अच्छे से साफ़ करेंगे, तो एक बाउल में ट्रांसफ़र करके इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। अब हम इसे एक घंटे के लिए ढक कर रख देंगे ताकि साबूदाना अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। एक घंटे के बाद आप देखेंगे कि साबूदाना बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं। अब हम इसे एक मिक्सिंग जार में डालकर और इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे बारीक नहीं पीसना है, बस 30 सेकेंड के लिए इसे चलाएंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे दरदरा पीस लिया है बिना पानी डाले ही। अब सेम उसी बाउल में फिर से हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। आलू को बारीक मैंने मैश कर लिया है, इसे भी साबूदाना में डाल देते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। आधा इंच अदरक को कद्दूकस करके ले लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सेंधा नमक डाल देंगे, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से हाथ की सहायता से इन्हें मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हथेलियों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हथेलियों पर दबाकर इसे हम शेप देंगे। इसी तरह से सारे बड़े बनाकर हमें तैयार कर लेने हैं। सारे बड़े बनकर तैयार हो गए हैं और अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस पर मीडियम फ्लेम पर मैंने एक पैन लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से हीट होने देंगे और उसके बाद सारे बड़े डालकर और इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। जब एक साइड से थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इन्हें हम पलट लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। व्रत में हमें थोड़ा सा कम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसलिए हम अगर इसे शैलो फ्राई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से उलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें पका लें ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाएं और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं। इसी तरह से उलट पलट कर थोड़ी देर हमें इन्हें सुनहरा ब्राउन होने तक पका लेना है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है और इसे फिर से मैंने पलट लिया है और बहुत अच्छा इसका सुनहरा कलर आ गया है। ऊपर से ये बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं ये। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। साबूदाना वड़ा बनकर तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ख़ासकर व्रत में इसे बनाकर ज़रूर खाएँ। बहुत हेल्दी है ये और बहुत टेस्टी भी है। तो ट्राई करें मेरे इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें इसे फैमिली तथा फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।